तो गाइज, आज दोपहर के लिए मैं ये वाला कपड़ा निकाली हूँ पहनाने के लिए। तो गाइज देखिए जुबैर को, इसमें से मैं कपड़ा निकाली और ये चढ़ गया। क्या बोलता? मक्की मक्की। तो गाइज मैं जुबैर के लिए ये वाला टी शर्ट और हाफ पैंट निकाली हूँ। बहुत प्यारा सा सेट है। और खुद के लिए मैं ये वाला जो जुबैर के बर्थडे में मैं पहनी थी वही वाला पहन रही हूँ। तो गाइस जुबैर भी रेडी हो गया है और जुबैर के पापा भी रेडी हो गए हैं। जुबैर की मम्मी अभी तक रेडी नहीं, इधर से रेडी हो गई। हाँ, और गाइस मुझे रेडी होना है, उससे पहले मैं मुझे रेडी होने से बाबू का दूध दूध सब तैयार करना होता है यार। जुबैर भी रेडी हो गया है और जुहैब भी रेडी हो गया है। देखिए ना, इधर उधर घूमे लगा। और मैं बाबू का बोतल सुबह में ही उबाली थी। बी सी डी ए बी सी डी पढ़ो तो। तो गाइस जो है बबी गए हैं वो वहाँ वहाँ शॉप से शॉर्मा लाने के लिए। चल जाएगा, गाड़ी चलने लगी। बेटा मम्मा को चलो ला है बैद बॉय, इधर लगी वाइपर में चलाई ना सोनी, गाड़ी चलने लगेगी सोना। तो अब गए हैं शॉर्मा लाने के लिए क्योंकि भूख लग गई थी, और वो लेकर के आते हैं, उसके बाद खाएंगे, उसके बाद फिर चलेंगे ना सोनी। सोनू बोल कुछ। गाइस अभी हम लोग खाना खजाना में आए हैं खाना खाने के लिए। तो गाइस खाना खजाना में मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ और ये इंडियन रेस्टोरेंट है। और जब भी हम लोग खाना खाने बाहर जाते तो ज़्यादातर ट्राई करते हैं इंडियन ही रेस्टोरेंट हो। यहाँ पे सब लोग मतलब खाने का इंतज़ार कर रहे थे और बाबू को मोबाइल में लगा दिए थे क्योंकि बाबू बहुत ज़्यादा ही दौड़ा दौड़ी इधर उधर बहुत ज़्यादा ही कर रहा था, इसीलिए मोबाइल में लगा दिया। बाबा ए बाबा इधर लिखे तो इधर लिख। तो गाइस खाने में चिकन 65 था, नान था, सैलेड था, सूप था, रायता था और हैदराबादी बिरयानी भी था। मैं फर्स्ट टाइम हैदराबादी बिरयानी ट्राई की थी और ठीक ठाक था। मैं जितना सुनती थी हैदराबादी बिरयानी बहुत अच्छा होता है, बट मुझे उतना ज़्यादा टेस्ट मिला नहीं। और चिकन 65 सबसे अच्छा था, बहुत अच्छा था, मिला जुला के सब ठीक ठाक था और बहुत अच्छा लगा मुझे खा करके। पीजी डायरेक्ट क्या है? नहीं बसना है। ठीक है हाँ, ठीक है। नमक और मसाला। ये डरी चले पटोले बेटा। ये सोने सोने पटोले गाड़ी चला रहा है। देखा देखा देखा। और हम लोग घर ही जाएंगे इंशाल्लाह, घर ही पहुंचेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि जुबैर गाड़ी चला रहा है। तो गाइस जुबैर भी नहा करके रेडी है, कुर्ता पैजामा पहन लिया और सोने के इसमें एकदम पड़ा हुआ, सोने के लिए तैयार है। क्या बनाया जा रहा है? खाना। तो आज खाने में क्या है मामा? क्या बताऊं? क्या है खाने में? खाने में आज है ये आलू की सब्जी, बहुत दिनों के बाद हम लोग खा रहे हैं माशाल्लाह। और दाल, अच्छा चावल, खीरा माशाल्लाह। नींबू चाहिए मेरे को। खाने में नहीं। और रात में क्या रहेगा खाने का प्लान? रात में क्या है खाने का? रात में क्या खाएंगे? मेरे को भिंडी की सब्जी खानी है, जिस तरह जैसा उस दिन बनाई बहुत मारूंगी। क्या आप तो कुछ और बोले थे ना? अच्छा हाँ, रात में तो गाइस वी हैव टू, रात में तो गाइस हम जा रहे हैं बाहर। क्या खाना है? रोल खाना है मैडम। रोल खाऊंगी जो उस रोज खाई थी ना वही वाला। और अंडे वाला बर्गर? अंडे वाला बर्गर इस बार मैं नहीं खाऊंगी। मैं खाऊंगा अंडे वाला बर्गर। और कहीं और भी जाएंगे? कहाँ? आपके अंदर। हाँ सलाम पार, सलाम पार ना। हाँ हम तो खाना हम लोग पैक करा के लिए सलाम पार के लिए वहीं बैठ के खाएंगे, आराम से आएंगे रात में। जुमा मुबारक बोल दीजिए। तो गाइस
सो जुमा मुबारक आप सबको, आज है जुमा और खाना बन रहा है। गर्मा गर्म खाना खाते हैं उसके बाद फिर मिलेंगे। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं, नहीं बता। अच्छा गिर के दिखा रहा आपको, क्यों? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ सुना? खाएंगे और खाएंगे तो दिए तो रहते, कौन खाए तुम? खीरा खाएंगे? खीरा आ जाओ, आ जाओ, आ जाइए बेटू, चलिए ना, फिर लेट हो जाएगा ना। तो गाइस जुबैर आने के लिए तैयार ही नहीं है, वही उसी को चलाना आज का भी। जाओ जाओ मम्मी, आइए। अल्लाह अल्लाह, सब हो गया। ता कैसा लगा जब्बू, कैसा लगा बेटा? तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं सलाम पार्क, क्योंकि अभी थोड़ा सा मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है इसीलिए, और प्लस बाबू वहाँ पे खेलेगा अच्छे से इसीलिए। बच गया, हल्का सा लगा बेचारा, ये भी थोड़ा सा। कैसे लगा बेटा? कोई बात नहीं मेरा बच्चा। तो गाइस पार्किंग तो मिल नहीं रहा, आप देखते हैं क्या होता है। तो गाइस यहाँ पे जगह जगह पे छोटा छोटा स्टॉल लगा हुआ है, और ज्यादातर बच्चों के खेलने का ही सामान सब है, और अभी अजा हो गई है इसीलिए सब लोग नमाज पढ़ रहे हैं। और अभी हम लोग सलाम पार्क आए हैं, और सलाम पार्क के ये पूरा पार्किंग का एरिया है, और ये पूरे बाहर का है, और जोहैब अभी गए हैं टिकट लेते हैं, उसके बाद फिर अंदर चलते हैं। हाँ येलो ब्लू, किधर जाना है? इधर चलो। आराम से, आराम से बेटा, भागना नहीं। तो गाइस आगे चलते हैं और बैठते हैं, और बाबू की वजह से ज्यादातर आ गई हूँ, क्योंकि वो थोड़ी देर खेल लेगा ना। कहाँ पे बैठना है उसे? कहीं नहीं बैठेंगे, चलो ना। तो गाइस दोपहर जो इतना ज्यादा परेशान कर रहा है, कुछ ज्यादा एकदम भागे जा रहे हैं। ए बेटू जुबैर, थक गया? क्या हो, चोट लगी? ओच। तो गाइस इधर बोटिंग हो रही है, और पिछले दफा हम लोग भी बोटिंग किए थे, और 3 साल से कम उम्र के बच्चे को अलाउ नहीं है जाने का। हो रही है मैडम का। तो जुबैर जो इतना ज्यादा परेशान गया, इतना दौड़ाया है, क्या बतलाऊं, बहुत ज्यादा ही थका दिया, मैं बहुत ज्यादा ही थक भी गई हूँ। और आप आराम से बैठे हुए थे, हम दोनों माँ बेटा कहाँ से कहाँ चले गए, दूध में लगा हुआ है, लगा दूध में ताकि थोड़ी देर तो कम से कम सुकून से बैठे हम लोग। सही बात है यार। बेटा तो बैंड बजा के रखे हुआ है। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं उधर, और इस साइड से बोटिंग वाले साइड से मैं जा रही हूँ, हम लोग उधर जा रहे हैं, उधर जाकर के आराम से बैठेंगे, क्योंकि इधर बोटिंग हो रही है इसीलिए बाबू जो है ना, डर भी लग रहा है कहीं बाबू मतलब वो बोटिंग वाले इसमें पानी में न चला जाए तालाब में, तो उधर रहेंगे तो उधर फ्री होकर के वो खेलेगा, और हम लोग भी थोड़ी देर आराम करेंगे, क्योंकि बाबू बहुत ज्यादा ही परेशान किया, बहुत ज्यादा ही परेशान कर दिया, इसीलिए उधर चलते हैं और उधर बैठते हैं, और बाबू भी खेलेगा अच्छे से थोड़ी देर खेल। मैं बोलने के चक्कर में मैं पीछे ही रह गए, या वो दोनों बाप बेटा आगे निकल गए, और चलते हैं जल्दी से उन लोग के पास जा करके। क्या क्या बाबू साहब गोदी में बैठ कर फ्राइज खा रहे हैं। अल्लाह, लड़का किसी के पास भी आराम से रह सकता है, इतना बदमाश है। खेलते खेलते दौड़ते दौड़ते कहाँ से कहाँ चला गया, और फिर
वहाँ पे एक फैमिली बैठी हुई थी, वो गोदी में मतलब वो ले लिए, तो अपना ये आराम से बैठ गया और फ्राइज खा रहा था। बेटा ऐसे मत करो ना यार, मम्मा बहुत प्यार करती है आपसे। अरे यार मुझे तो बहुत तेज की भूख लग गई। इतना भी तेज सात आदमी। अरे पता ना मुझे भूख लग जाती है तेज की। गरम वाला एकदम गरम था। हाँ तो सही है, ज्यादा पानी से ही पेट भरना पड़ेगा। फाइनली ले आए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैफ अलहाल मदीन? अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम। तमाम यस आज तमाम इज आज वाला कैसा लग रहा है? वाओ आज वाला लग रहा है। इसमें चीज ज्यादा बोलो, चीज ज्यादा डालने के लिए। आज वाला अच्छा लग रहा है यार। मुझे काला काला वाला जो है ना ये पसंद एकदम नहीं है। काला काला जो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आप लोग दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग एकदम अच्छे हैं। तो गाइज आज व्लॉग का तीसरा दिन और अभी हम लोग जा रहे हैं ज़ुबैर को लेकर के डॉक्टर से दिखलवाने के लिए, क्योंकि ज़ुबैर को दो रोज़ से थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन हो रहा था, इसीलिए हम लोग सोचे जो एक और डॉक्टर से मिल लेते हैं, डॉक्टर क्या कहते हैं उस हिसाब से करेंगे। तो इसीलिए चलते हैं, वही चल के फिर आप लोगों से मिलते हैं। वैसे यहाँ पे हम दोनों माँ बेटा बैठे हुए थे और ज़ुबैर गए थे काउंटर पे नंबर लगाने के लिए। आज बहुत ज़्यादा ही रश था, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा रश था, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो गाइस अब हम लोग ऊपर जा रहे हैं, डॉक्टर जो है ना ऊपर बैठते हैं। ग्राउंड फ्लोर। अब आगे। यस 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 इधर घूमिए तो। हाँ यस वाओ ज़ुबैर। और गाइस नंबर भी लग गया। कितना कौन सा 31 है ना टोकन नंबर 31। ज़ुबैर ज़ुबैर क्या क्या हो रहा है, क्यों रोए मेरे बच्चा? क्यों रोए? कान में लगाया नहीं टेम्परेचर वाला। हाँ वो यहाँ जो ना कान में डाल करके टेम्परेचर चेक करती है ना। तो यार कौन सा 25 चल रहा है। तो गाइस अभी यहाँ पे आए हैं दवा लेने के लिए और दवा लेते हैं उसके बाद फिर चलते हैं। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह से ज़ुबैर को दिखला दिया और शुक्र है जो डॉक्टर मतलब जितना हम डर रहे थे हम लोग तन क्या बोलेगा क्या नहीं, बट अल्हम्दुलिल्लाह से कुछ ऐसा नॉर्मल, सब चीज़ नॉर्मल है। डॉक्टर बोले ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, बाबू ठीक है, कब तक लिए दवा दिए और एक सेलेक्स लिखे हैं बोले हैं जो वो ज़्यादातर वो खिलाइए, तो तीन डोज वो खिलाइए दो टाइम और उस वही से ठीक हो जाएगा। वो कह रहे थे ज़्यादातर चांसेस है उससे ठीक हो जाएगा, अगर उससे ठीक नहीं हुआ तब दवा खिलाना है। और वही जो है लाने गए सेलेक्स लेकर के आते हैं उसके बाद फिर चलेंगे। और आप दिल को मेरे सुकून हो रहा, थोड़ा थोड़ा सा डर हो रहा था पता नहीं क्या हो गया क्यों ऐसा हो रहा है, बट अलग शुक्र है बाबू अब ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगा। अब बदमाशी बाबू का चालू है, बदमाशी जो है ना एकदम उच्च लेवल पे है, पापा के सीट एकदम लिए हो रहता है। बाप रे क्या बतलाएं गाइस, ये लड़का जो है ना, बेटा तुम गाड़ी लगता है स्टार्ट कर दोगे? ज़ुबैर अहमद अरे ये सब नहीं करना है, गियर नहीं ना करना है। हाँ डर भी है, ये वाइपर, ये जब भी बैठता है तब भी वाइपर चला देता है। मिल गया ना
एक और बाबू का दूध में दूध इसी टाइप का लिखा था, तो गाइज हम लोग घर आ गए हैं और काफी देर हो गया, थोड़ा सा आराम भी किए और मैं अभी अपने ब्लॉग का एंडिंग में ले रही हूँ। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।